भोपाल पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान, भाजपा लगातार जला रही है करप्शन की फाइलें, लगातार पांचवी बार बल्लभ भवन को जलाया गया, लोकतंत्र ही नहीं बचेगा तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहां बचेगा। सुरेश पचौरी के भाजपा में शामिल होने पर बोले पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, पिछले 5 साल में जिन जिन लोगों ने थामा भाजपा का हाथ वे सभी भीड़ का हिस्सा बनकर रह गए, मेरी शुभकामना है कि उन्हें भगवान करे वो ना बने। सुरेश पचौरी को कई अहम पद कांग्रेस ने दिए, सुरेश पचौरी वरिष्ठ नेता है, भगवान उनका भला करे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघा ने इसे भ्रष्टाचार और सरकार की नाकामी बताया। भोपाल से मुकेश सिंह की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री का झगड़ा और शिवराज सिंह अपनी पूरी घोटाले की फाइलें जलवा रहे ताकि मोहन यादव इस पे कोई जांच नहीं करा पाए, ये अंदरूनी झगड़ा। और जो प्रदेश के आज इतने हजारों लाखों लोगों की फाइलों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसका नुकसान हो रहा है, सरकार क्यों नहीं इसको डिजिटलाइज रखना चाहती। और ये अंदरूनी झगड़ा आग के रूप में मोहन यादव शिवराज सिंह का आज आप बल्लभ भवन में आग के रूप में देख रहे हैं। आदरणीय प्रदेशवासियों, 5 बार लगातार बल्लभ भवन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आग लगाई है। इसके पहले 4 बार क्यों आग लगी, दोषी कौन थे, कौन सी फाइल जली, कौन से विभाग की जली, इससे पहले 4 बार बल्लभ भवन सतपुड़ा में अलग अलग जगह अलग अलग विभागों की आग लगी, पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। आग लगी है और हमें आना पड़ा, ये इसलिए कि प्रदेशवासियों को ये पता हो कि ये आग भारतीय जनता पार्टी पर्ची वाले मुख्यमंत्री, 3C के मुख्यमंत्री, करप्शन, कर्ज और क्राइम, पर्ची वाले मुख्यमंत्री की आदत है। ये आग सरकार ने लगाई है और ये सरकारी आग है और भ्रष्टाचार के पाप को छुपाने की आग है। इससे पहले भी 4 बार हुआ है, ये आज ही नहीं हुआ है, इससे पहले भी 4 बार हुआ सरकार द्वारा लगाई हुई आग है।